यह है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। थाना सिरसागंज पुलिस टीम के द्वारा गुमशुदा जितेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम नगला पट्टी थाना जसराना जिला फिरोजाबाद को सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने दी जानकारी। बताया कि पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर ग्राम शादीपुर अपनी ससुराल से चला गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिरसागंज पुलिस टीम के द्वारा गुमशुदा जितेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम नगला पट्टी थाना जसराना जिला फिरोजाबाद को थाना चंदपा जनपद हाथरस से सकुशल बरामद किया गया है। बता दें, पुलिस लाइन सभागार में एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गुमशुदा जितेंद्र उर्फ कल्लू उपरोक्त दिनांक 24 जुलाई 2021 को अपनी पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर ग्राम शादीपुर अपने ससुराल से चला गया था, जिसकी गुमशुदगी गुमशुदा के ससुर रतन सिंह पुत्र नेक राम निवासी ग्राम शादीपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ने थाना सिरसागंज पर दिनांक 25 जुलाई को दर्ज कराई थी। गुमशुदा जितेंद्र उर्फ कल्लू उपरोक्त को सर्विलांस के सहयोग से CDR और लोकेशन के आधार पर सकुशल बरामद किया गया। बरामद गुमशुदा को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। सिरसागंज क्षेत्र में एक युवक था, आराम चौकी से बरामद किया है। क्या है मामला पूरा? जितेंद्र नाम का व्यक्ति है जो जसराना क्षेत्र का रहने वाला, उसकी शादी सिरसागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादीपुर गांव में हुई थी। जितेंद्र की जब शादी हुई थी मई महीने में हुई थी। इसको शादी के समय मंच पर ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे इसको लगा कि इसकी पत्नी इससे खुश नहीं है और इस शादी से वो बहुत प्रसन्न नहीं है। ये अपने ससुराल आया ससुराल वालों से बात करने के लिए कि इस तरह की चीज़ें हैं और ये ठीक नहीं है, समझाएं। यहाँ पर आने के बाद भी फिर दोबारा कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि यहाँ से भाग गया और 3 दिन तक गायब रहा। हाथरस में चला गया एक मंदिर पर ही रह के कुछ दिन बिताया। इसकी कोशिश ये थी कि हमारी पत्नी अब हमको शायद प्यार करने लगे, जिस चीज़ को लेके नाखुश चल रहा था कि भागने से सहानुभूति पैदा होगी और सहानुभूति की वजह से हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो इसको वहाँ सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस इसको लाई है, इससे विस्तृत पूछताछ किया गया। मेन इसका जो भागने का उद्देश्य था मात्र इतना था, इसको लगता था कि इसकी पत्नी उस तरीके से प्यार नहीं कर रही है जैसे इसकी उम्मीदें थी। तो एक तरह का लेसन भी है आपसी तालमेल बैठाने की, और जिसे बिखरे हुए घर सिमट जाएं, इस तरह काम करना है और ऐसा काम नहीं करना जिससे लोग बिखर जाएं। और एक अच्छा प्रयास हुआ है, इसकी बरामदगी से दो परिवारों के जो दुख थे वो कट गए।